Recorded. आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पिवट टेबल के ऊपर। हमने लास्ट क्लासेस में आपको पिवट टेबल के ऊपर होने वाले कुछ मोमेंट्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजी थी ताकि आप देख ले उसको। आज हम जो है उसी पिवट टेबल के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि पिवट टेबल आखिर होता क्या है, पिवट टेबल का बेनिफिट क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन सबों के बारे में एक बार हम थ्योरिकल पार्ट को जान लेते हैं, फिर आगे हम इस पिवट टेबल के तब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए रिपोर्ट्स। हम जो ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाते हैं उसके बारे में जानिए। जो हमारा रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा। किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी न किसी लेजेंड के ऊपर हम समराइज करते हैं, वो हमारा रिपोर्ट कहलाता है। तो हम रिपोर्ट जो भी बनाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है समरी। किसी ने किसी डेटा को किसी ने किसी एंगल पे समरी किया हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि पिवट टेबल इज द रिपोर्ट इज द समराइज ऑफ द डेटा। अब हम बात करते हैं पिवट टेबल के ऊपर। तो पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। मतलब कि आप जो दिन भर में रिपोर्ट बनाते हो उस रिपोर्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी रिपोर्टों में पिवट का इस्तेमाल होता है। पिवट का यूज होता है क्विक समरी बनाने के लिए। और पिवट टेबल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिवट टेबल पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो आगे आपको जैसे कि पावर बी आई, टैबलू जैसे सॉफ्टवेयर पे आपको कमांड उसको समझना आपका इजी होता है क्योंकि पिवट टेबल के बेस पे ही बना होता है। पिवट टेबल लगाने से पहले आप ध्यान रखिए डेटा को समझ लीजिए कि आपका जो डेटा है वो डेटा आप समझ लीजिए क्योंकि जो डेटा है उसी के बिहाफ पे वो चलेगा। वो जी हाँ जी जी मैं उदय बोल रहा हूँ, अभी ज्वाइन किया है और रिकॉर्ड का परमिशन दीजिए ना प्लीज। जी ठीक है। और उदय जी कल मैंने आपको कुछ लिंक्स भेजे थे पिवट टेबल के, देख लिया था आपने? हाँ पूरा ढाई घंटा लगा सर जी, इतना बड़ा वीडियो थोड़ी देते हैं ताकि उसको देखने के बाद जब मैं दोबारा उस टॉपिक को कराऊं तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको एक दिन में नहीं होता है तो टाइम ले लीजिए कि हाँ सर कल गैप कर दीजिए, मैं कल देख लूंगा फिर परसों से स्टार्ट करूंगा। नहीं नहीं मैं पूरा देख लिया हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके तो पिवट टेबल इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप डेटा को समझिए। डेटा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डेटा को समराइज एनालाइज रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो डेटा क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, वो डेटा के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। दूसरा रिपोर्ट का बेनिफिट समझना। मान लीजिए कि आपसे किसी ने रिपोर्ट मांगा कि मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट दे दो, तो हम लोग क्या करते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट का फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट में उस रिपोर्ट को फिल करते हैं और हम भेज देते हैं। हम ये नहीं जानते कि अगर मान लीजिए कि मिस्टर मिश्रा जी को मैंने रिपोर्ट भेजा तो मिस्टर मिश्रा उस रिपोर्ट का करेंगे क्या। वो नॉलेज जो इंफॉर्मेशन जो उनको रिपोर्ट के जरिए मिलेगी उस इंफॉर्मेशन का आखिर वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। और इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होगा, किस तरह के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये चीज अगर पता हो तो रिपोर्ट्स को और अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा पिवट टेबल जब भी लगाए तो ऊपर का हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर हेडिंग ब्लैंक है तो पिवट टेबल आपका लगेगा ही नहीं। दूसरा कि पिवट टेबल लगाने के लिए हमें सिलेक्ट करना है डेटा को या नहीं करना है, तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर डेटा के अंदर पूरी की पूरी एक रो आपकी ब्लैंक है तो फिर आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इतना ही डेटा में पिवट लग जाएगा। तो अब चलिए एक सैंपल पिवट लगा के देखते हैं, उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। हमारा डेटा सेल्स रिपोर्ट है कि किस क्वार्टर के किस जोन के किस डेट को किस सिटी के किस मैनेजर ने किस सेल्स पर्सन ने किस कैटेगरी के कस्टमर को सब कैटेगरी में मेल और फीमेल जेंडर क्या है
किस प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कितने रेट से बेचा और कितना रेवेन्यू जनरेट किया, सिंपल सा सेल्स डेटा है। मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक दिख रहा आपका रिकमेंडेड पिवट टेबल, एक नया ऑप्शन 2013-16 में है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस डेटा को एनालाइज करके 5 या 10 या 15 रिपोर्ट्स आपके सामने रख देगा। अब इस रिपोर्ट में से जो अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी सर, तो रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है? रिकमेंडेड पिवट टेबल आपको बताता है कि इस पिवट जो आप लगा रहे हो, इस पिवट डेटा जो है इस पे कितने तरह के पिवट बन सकते हैं। जो पिवट आपको पसंद आता है उस पिवट को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहां पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई पिवट टेबल भी खुल जाएगी। अब इसमें आपको क्या है कि यहाँ पे आपके फील्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके मतलब कि यहाँ पे आपके हेडिंग्स हैं, क्योंकि हेडिंग अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग इनमें उठा के रखना है। तो हमें चाहिए क्या? तो बेसिकली हमारी कंपनी चाह रही है एक नई प्रोडक्ट पे रिसर्च करना, उन्हें एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए इसके बारे में उनको ध्यान सोचना है। तो उनको चाहिए कि प्रोडक्ट किसके लिए, मेल के लिए होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे कितने मेल कस्टमर है और कितने फीमेल कस्टमर है। तो आप जो है सब कैटेगरी जो हमारा है, इस सब कैटेगरी को उठा के रो में रख दें, और अगर आप काउंट जानना चाहते हैं तो सब कैटेगरी के वापस वैल्यू में रख दे तो काउंट आ जाएगा, नहीं आप रेवेन्यू जानना चाहते तो एमआरपी को यहां पर रख दे तो उसका सम आ जाएगा। तो हमने देखा कि मेल फीमेल का रेशियो, आखिर मेल ज्यादा है लेकिन मेल फीमेल का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये तो एक कैटेगरी के हिसाब से हुआ। मुझे मान लीजिए कि जोन वाइज और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट चाहिए तो मैं जोन को उठा के रो में रखूंगा तो इस तरह की रिपोर्ट आएगी, या उससे बेटर है कि मैं इसको कॉलम में रख दूं तो इस तरह की रिपोर्ट आएगी। तो यहां हमने रो में ही क्यों रखा, रो में रखने का इसलिए पर्पस है कि जैसे सिक्वेंसली इस तरह से आ जाएगी आपको रो वाइज, और कॉलम में आप रख सकते हैं तो इस तरह से रो एंड कॉलम का रिपोर्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए रो लेवल लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखना चाहिए जोन, तो आप इन सब को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जोन लिख के अंतर मार रहा तो ये चेंज हो गया, तो ये सब को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज किसको नहीं कर सकते, जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है उनको चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा हर एक फील्ड को चेंज किया जा सकता है, उससे हमारे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप कैटेगरी रख रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉलम में रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड आप रख रहे हैं उस फील्ड के अंदर आइटम कम हो, अगर आइटम ज्यादा हुआ तो दिक्कत करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिटी रख दिया, तो सिटी रखते ही देखिए क्या प्रॉब्लम आ गया आपके सामने, कितना बड़ा डेटा बन गया, तो नेविगेट करना दिक्कत हो रहा है,
तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी। अब इसका ये बात आती है कि भी सॉल्यूशन क्या है, तो उस फील्ड को आप उठा के रो में रख दीजिए, आपके सामने रो वाइज आ जाएगा। अब यहां पे मुझे जोन वाइज सिटी वाइज चाहिए, तो इसलिए मैंने जोन को ऊपर रखा और सिटी को नीचे रखा। अगर आपको सिटी वाइज और सिटी वाइज जोन वाइज चाहिए तो सिटी को आप ऊपर रखें, इस तरह से ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो। ध्यान देखिए पुणे सिटी में इतने जो इस जोन के इतना सेल, सिटी वाइज हमारा रिपोर्ट आ गया। अब इसमें देखिए एक चीज और, एक और बेनिफिट क्या है कि इसको हम कोलैप्स से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक साथ सबको करना है तो एनालाइज में ये आपका रहा कोलैप्स, ये आपका एक्सपेंड। इससे फायदा क्या होता है कि ये समरी ऑफ द समरी कहलाता है, मतलब कि ये सिटी वाइज रिपोर्ट है, लेकिन किसी सिटी के जोनल रिपोर्ट चाहिए मुझे तो मैं उस पर क्लिक करके उसका जोनल रिपोर्ट देख सकता हूँ। सिंपल है, नहीं तो जैसा है वैसा रहेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, लेकिन ये जो चीजें इस तरह से बनाई हमने ये तभी यूजफुल है जब आप किसी को रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेजे। लेकिन जनरली हम 90% केसेस में क्या करते हैं कि पिवट टेबल के हम डेटा बना के फिर उसको कॉपी करके किसी और जगह पे समरी शीट पे पेस्ट करते हैं, उसके ऊपर और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं। वहां पे दिक्कत क्या होगा कि जब इसको कॉपी करके आप मान लीजिए वैल्यू पेस्ट या पेस्ट करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि सिटी कौन है और जोन कौन से, तो एक ही कॉलम में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक कॉलम में मेरा जोन हो, दूसरे कॉलम में सिटी हो और तीसरे कॉलम में हमारा एमआरपी अभी जो भी है वो चीज होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, दो तीन तरीके हैं। एक तो है डिजाइन में चले जाएं और आपके पास दो ऑप्शन है, आउटलाइन फॉर्म ये ले लीजिए या फिर टेबुलर फॉर्म ये ले लीजिए, या एक और तरीका है कि आप पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाएं और यहाँ डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट को क्लिक करके ओके कर दे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सब टोटल आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करके इस रखना चाहे तो रख सकते हो, हटाना चाहो तो राइट क्लिक कीजिए और यहां से आप इसको रिमूव कर दीजिए। सब टोटल हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको रिपीट करना है कि पुणे यहाँ पे रिपीट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ डिजाइन में ही ये देखिए आपके सामने है रिपीट और आइटम लेवल, इस तरह से रिपीट हो गया आपका। और एक चीज और चाहिए कि मैं दिल्ली और पुणे के बीच में गैप चाहिए हमें, तो मैं यहाँ से इंसर्ट ब्लैंक लाइन करूंगा तो हर एक आइटम के बाद ब्लैंक लाइन आ जाएगा, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। नहीं है हटाना है तो आप यहां से रिमूव कर दे, रिपीटेशन भी हटाना है ताकि कॉपी पेस्ट करने में फिल्ट्रेशन दिक्कत होती है, जब रिपीटेशन लगाया था नहीं चाहिए तो आपको डू नॉट रिपीट कर दीजिए। अब मैं यहां पे रिपीट करने के बजाय मैं मर्ज करना पसंद करूंगा, लेकिन आप पिवट टेबल में डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते। अगर आपको मर्ज करना है तो राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन और यहां पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए, ये आपका मर्ज हो गया। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? मिलिंद जी, उदय जी, कोई डाउट आपको? ये दो से ज्यादा कैटेगरीज में भी होगा सर जी, दो से ज्यादा कैटेगरीज होगा, सिटी जोन और कोई और भी। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि पुणे का साउथ में 817 रुपया, 817 रुपए की एमआरपी है टोटल, तो मुझे इसका डेटा देखना है कि किससे बना है। जस्ट डबल क्लिक कीजिए, एक नई सीट पे उसका डेटा आ जाएगा। अच्छा, एक डेटा है तो एक आ गया। अगर मान लीजिए कि डेटा ज्यादा होता, मैं एक काम करता हूं, मैं सिटी को हटा देता हूं यहां से, सिर्फ जोन है हमारे पास। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा
तो पूरी इस जोन का डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। तो अगर डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट फिल्ट्रेशन पे, तो आप इस फीचर का लाभ उठा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो अगर वो डबल क्लिक करेंगे तो बार बार नया डेटा सीट में पेस्ट होता चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि डबल क्लिक करने मतलब इस पे ये जो डेटा आने वाले जो फीचर्स है ये फीचर डिसेबल हो जाए। तो राइट क्लिक किया और हमने पिवट टेबल ऑप्शन पे गए और हम डेटा पे जाने के बाद यहां आपको दिखता होगा अनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर दिया। एंड ओके, अब इस पर डबल क्लिक करूंगा तो कोई डेटा नहीं आएगा। अब डेटा के बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग जैसे मान लीजिए कि मैं सेल्स मैनेजर से सेल्स पर्सन यहां रख देता हूं और सेल्स मैनेजर को यहां रख देता हूं कॉलम में, ये रिपोर्ट आ गया। अब इसमें जो ब्लैंक जगह है मैं चाहता हूं कि ब्लैंक जगह पे जीरो या कुछ और फिल हो जाए। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल आप ऑप्शन पे चले जाएं, यहाँ देखिए फॉर एम्प्टी सेल जो कि ब्लैंक है इसे जीरो चाहिए तो जीरो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, आपका यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो आप करते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं जिसे डेटा को फॉर्मेट करते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेटिंग करने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अगर कल के डेट में आप अगर रिफ्रेश करते हो अपने पिवट को, अब तो क्वेश्चन आती है कि पिवट को हम रिफ्रेश क्यों करेंगे। जब डेटा के अंदर में कोई भी चेंजिंग करेंगे आप तो आपको पिवट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे आप पिवट को रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करते ही आपको क्या होगा, अगर कुछ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो अपने आप को अपडेट कर देगा। एक एग्जांपल दोगे सर? जैसे कि मान लीजिए कि आपने पिवट आपका पिवट अभी तक 50 तक है, आपने फॉर्मेटिंग 50 तक कर, आगे चल के आपके पास मान लीजिए कि 5 डेटा और बढ़ गया तो यहां तक आ जाएगा ना सर। तो ये 50 तो आपकी फॉर्मेटिंग तो 50 तक ही हुई है ना सर। आपके आपका जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो आप करते हो जैसे कॉलर बॉर्डर वगैरह वो आपके पिवट से लिंक थोड़ी ही है। तो आप अगर चाहते हो कि मेरा पिवट मेरा फॉर्मेट पिवट से लिंक हो और जब मेरा डेटा बढ़े घटे तो अपने आप को बढ़ा ले घटा दे, तो उस केस में आप डिजाइन में जाएं और यहां पे आपके फॉर्मेटिंग के डिजाइन है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें से जो डिजाइन आपको पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे ए डिजाइन पसंद आया मैं इसको क्लिक कर लिया, या ए आया या ए है या ए डिजाइन है। ठीक है सर, तो आपके सामने तो यहां से फॉर्मेटिंग करने में बेनिफिट होता है। उसके बाद आप बात करते हैं फिल्टर की। तो ये आपका डेटा पूरा दिख रहा है लेकिन आप फिल्टर पेज में अगर आप लिखे तो इसको हम पेज फिल्टर करते हैं। इसके बारे में हम आपको कल भी अच्छी तरीके से बताएंगे। जब प्रोडक्ट हमने रख दिया तो मैं अब एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो पूरी रिपोर्ट मेरी एक प्रोडक्ट डीवीडी के ऊपर बनी है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, तो पिवट टेबल के ऊपर और प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों को जो मैं रिकॉर्डिंग भेजा था तो कुछ लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। कल के डेट में हम पिवट टेबल में आपके साथ डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग फिल्टर एंड ग्रुपिंग के बारे में।
कि हम पिवट टेबल में कैसे सॉर्टिंग करेंगे, कैसे फिल्ट्रेशन करेंगे, कैसे मूव करेंगे और उस पर हम ग्रुप कैसे करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।